हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फेसबुक अकाउंट में यूडेस एग्रीवेट डिसीजन वाला प्रॉब्लम आ गया तो फिर आप लोग ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बिल्कुल एक जेन्युइन ट्रैक लेकर आया हूँ। वीडियो को एक स्टेप मिस नहीं कर कम्प्लीट वॉच कीजिए। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोहल्ले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वाला बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट अपने टॉपिक की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करो। तो चलो मैं ओपन करता हूँ और फिर इसमें मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट लॉग इन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं रजा यूडेस एग्रीवेट डिसीजन। और नीचे यहाँ पर ये भी शो होगा कि इस तरह अकाउंट का जो रिव्यू था वो एक दिन में होगा, लेकिन लोगों के अकाउंट में काफी ज्यादा दिन गुजर गए और अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा आगे इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ सिखाने वाला हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल में कोई बैक ब्राउजर ओपन करो। तो चलो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और फिर सर्च बार में आप लोग टाइप कर देना आई कैन नॉट लॉग इन टू फेसबुक और ये आप स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। तो चलो यहाँ से ये मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद इस इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर साइड आते हैं आई कैन नॉट लॉग इन टू फेसबुक फेसबुक हेल्प सेंटर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप लोग ब्राउजर सेलेक्ट कर देना और उसके बाद इस इंटरफेस आते हैं। साइड पर 3 लाइन है थी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। उसके बाद फिर नीचे जो लास्ट नंबर पर ऑप्शन शो होगा पॉलिसी एंड रिपोर्टिंग थी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस इंटरफेस आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आते हैं रिपोर्ट ए प्रॉब्लम विद फेसबुक थी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर ये पेज आप लोग इस तरह स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गिव फीडबैक अबाउट एड, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो चलो मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ, प्रोएक्टिव फीडबैक थी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों के पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म गिव अस फीडबैक अबाउट फेसबुक फ्यूचर के नाम से है। तो इसमें नीचे एक ऑप्शन आता है योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक ईमेल एड्रेस एंटर करो। तो चलो यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस पेश करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ईमेल भी पेश कर दिया। और उसके बाद फिर नीचे का और ऑप्शन आता है प्लीज सेलेक्ट, और उसके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है थी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना और फिर यहाँ से आप लोग एक ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो चलो मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ लॉगिन थी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना और उसके नीचे योर फीडबैक की जगह आप लोग एक अपील एंटर करो। तो चलिए इसके लिए मैं अपना मोबाइल में नोट पैड ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक अपील लगा दिया और ये अपील आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से मैं अपील कॉपी करता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते कैसे मैंने अपील भी कॉपी कर दिया और उसके बाद दोबारा वही पेज ओपन करता हूँ और फिर यहाँ पर ला कर वो अपील पेश कर देना। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपील भी पेश कर दिया। अपील पेश करने के बाद फिर इसमें आप लोग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी एंटर करो, जैसे कि अकाउंट का फुल नेम हो, उसके बाद नंबर, ईमेल, पासवर्ड और अकाउंट का लिंक। तो चलो जल्दी यहाँ पर मैं अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करता होता तब के लिए वीडियो रोक लेता हो। जी हाँ, यहाँ पर मैंने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर दिया और उसके बाद नीचे सेंड वाला बटन शो होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हो और अब यहाँ से जो अपील था वो हेल्प सेंटर पर सेंड हो जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते कि अपील बिल्कुल सेंड हो चुका है। बस इतना काम करने के बाद आप लोग वेट करो जब तक फेसबुक टीम की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा और वही रिस्पांस आप लोगों को ईमेल के थ्रू मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।